और फिर आप कहते हो कि मैं क्यों रो रहा। मैं सिर्फ सिंध के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। और आपको जिस तरीके से आप अपना हुकूमत करते हो, अपना सियासत करते हो, आपने पैंडेमिक के दौरान ये आदतें छोड़नी है। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जगह जगह जाने को तैयार है, कहने को तैयार है कि ये हमारा वजीर आजम इमरान खान है, इमरान खान हमारा वजीर सेहत है, जो वो कहता है पाकिस्तान की मदद करने के लिए आप करो। हम मिलके एक ताकत बन सकते हैं, हम मिलके पाकिस्तान के अवाम की ज्यादा जिंदगी बचा सकते हैं, हम मिलके पाकिस्तान की मीशत को ज्यादा बचा सकते हैं। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इस मुल्क का, जब भी इस मुल्क की जरूरत पड़ी कि इस मुल्क की कौमी जो क्यादत है वो एक पेज पे इकट्ठे हो, वो यूनिटी पैदा हो, चाहे वो हमारा मीशत का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और अब जो कोरोना का वबा हो, हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। वो इस बात पे खुश है कि मैं पीटीआई के वजीर आजम हूं, मैं अपने जमात से मुखातिब रहूंगा, अपने जमात से बात करूंगा, अपने जमात के लिए काम करता रहूंगा। इस तरीके से ना रियासत चलता है, ना वफाक चलता है, और ना ही हम इस फुपवा का मुकाबला कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, मेरे पास बहुत से स्टैटिस्टिक्स है, मैं इनका 18th अमेंडमेंट का, NFC अवार्ड का, अगर इस वक्त आप डिबेट खोलना चाहते हो, आपके पास जीतने वाला पोजीशन में नहीं है। आई डोंट वांट टू एंगेज इन दैट डिबेट, आई डोंट वांट टू एंगेज इन द 18th अमेंडमेंट डिबेट अंटिल आफ्टर द पेंडेमिक, आई डोंट वांट टू एंगेज इन द NFC अवार्ड डिबेट अंटिल आफ्टर द पेंडेमिक। मैंने आपसे लड़ना नहीं है, मैंने आपका मदद करना है।